हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं पाइनएप्पल क्रश। इसके लिए मैंने लिया है पाइनएप्पल। ये मीडियम साइज़ का पाइनएप्पल था जिसको मैंने हाफ कट कर लिया है। आप चाहे तो पूरा पाइनएप्पल भी कट कर सकते हैं। अब हम इसके पीसेस कर लेंगे छोटे छोटे। अब हम इसको कट करेंगे। अब इसको साइड साइड से हम कट कर लेंगे और जो बीच का इसका पार्ट है वो हम यूज़ नहीं करेंगे। अब देखिए, मैंने इसका बीच का पार्ट जो है हटा दिया है, हम इसको फेंक देंगे। अब हम इसको मिक्सी के जार में डाल के इसको पीस लेंगे। अब मैंने इसे अच्छे से पीस लिया है, लेकिन इसमें हो सकता है कि कुछ मोटे पार्ट रह गए हों, तो हम इसको छान लेंगे। अब देखिए, मैंने इसे छान लिया है। अब इस पार्ट को हम हटा देंगे और सिर्फ इसी पार्ट को हम यूज़ करेंगे। अब मैंने गैस पे एक बर्तन रख दिया है और ये गर्म हो चुका है। अब हम इसमें जो ये हमने पाइनएप्पल छान के रखा हुआ था, इसको हम डाल देंगे इसमें। अब इसमें हम डालेंगे 1/4 कप शुगर। अगर आपका पाइनएप्पल मीठा ज़्यादा हो तो आप शुगर को कम कर सकते हैं। अगर पाइनएप्पल में मीठा कम है तो आप अपने अकॉर्डिंग शुगर को कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसे हम चलाते हुए इसमें मिक्स कर लेंगे। इसे हम लो फ्लेम पे ही पकाएंगे, नहीं तो इसमें जलने का टेस्ट आ जाएगा। अब देखिए, शुगर जो है इसमें अच्छे से मिक्स हो गई है। अब इसमें थोड़ा सा हम डालेंगे 1 पिंच करीब येलो फूड कलर। ये ऑप्शनल है, आप ये स्किप भी कर सकते हैं। अब इसको मिक्स कर देंगे। अब हम इसे लगातार ऐसे ही चलाते रहेंगे और इसको थोड़ा सा गाढ़ा होने देंगे। अब देखिए, इसे पकाते हुए हमें करीब 5 मिनट हो चुका है और ये थिक हो चुका है। ये देखिए, इस टाइप से हमें रखना है। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा करके इसे फ्रिज में डाल सकते हैं आप, और 1 महीने के लिए आप इसे स्टोर भी कर सकते हैं। देखिए, हमारा पाइनएप्पल क्रश एकदम तैयार हो गया है। और आप इसे शीशे के जार में ही स्टोर करके रखें। अगर आप इसे प्लास्टिक में या किसी और में रखते हैं तो ये बहुत जल्दी स्मेल करने लगेगा, ख़राब हो जाएगा, और ये आपको बहुत सारी रेसिपी में काम आने वाला है। मैं आगे इसकी रेसिपी आपसे शेयर करूँगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए जिससे मेरे आने वाली रेसिपीज़ का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।